दिल से सोल्जर, दिमाग से शैतान है। दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे बड़ी मियां छोटी मियां के पांचवें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और जानेंगे फिल्म की टोटल इंडिया नेट ग्रॉस ओवरसीज और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इस फिल्म को दुनिया भर में लगभग 5000 स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया है। वहीं बात करें कलेक्शन की तो दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन ईद वाले दिन 16 करोड़ का कलेक्शन किया था। दूसरे दिन फिल्म की कलेक्शन में गिरावट दिखी और 7 करोड़ 25 लाख का कलेक्शन किया था। वहीं फिल्म ने तीसरे दिन में 8 करोड़ 25 लाख का कलेक्शन किया था। चौथे दिन में भी कोई बड़ी ग्रोथ नहीं दिखी। चौथे दिन मैंने संडे के दिन में लगभग 9 करोड़ 40 लाख का कलेक्शन किया है, जिससे इस फिल्म के चार दिनों को टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 40 करोड़ 90 लाख हो चुका है। टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 49 करोड़ हो चुका है। इस फिल्म ने ओवरसीज में लगभग 24 करोड़ का कलेक्शन किया है। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के चार दिनों को टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन लगभग 73 करोड़ हो चुका है। बात करें दोस्तों इस फिल्म के पांचवें दिन के कलेक्शन की तो ये फिल्म अपने पांचवें दिन में इंडिया में लगभग 4 से 6 करोड़ के रेंज में कलेक्शन करने वाली है। यानी ये फिल्म मंडे टेस्ट में भी फेल होते दिख रही है। अक्षय कुमार और मनोषी छिल्लर की पहली फिल्म सम्राट पृथ्वीराज ने 10 करोड़ की ओपनिंग की थी। उसके बावजूद उस फिल्म ने दूसरे दिन थोड़ा सा ग्रोथ किया, तीसरे दिन भी थोड़ा सा ग्रोथ किया था। सम्राट पृथ्वीराज ने अपने पहले तीन दिनों में डबल डिजिट में कमाई की थी और फिल्म ने पहले वीकेंड में लगभग 39 करोड़ का कलेक्शन किया था, जबकि बड़ी मियां छोटी मियां ने चार दिन के एक्सटेंडेड वीकेंड में 40 करोड़ का कलेक्शन किया है। सम्राट पृथ्वीराज का लाइफ टाइम कलेक्शन लगभग 67 करोड़ के आसपास रहा था। दोस्तों बात करें इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग, तो इस फिल्म को 8.1 रेटिंग मिले हैं। आपको बता दो कि इस फिल्म का टोटल बजट लगभग 350 करोड़ है, लेकिन फिल्म ने कुछ राइट से रिकवरी कर ली है, जिसके चलते इस फिल्म का थिएटरिकल बजट लगभग 220 करोड़ हो चुका है और ये बजट इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से रिकवर करने होंगे। लेकिन फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफी खराब आ रहे हैं, जिसे देखकर लग रहा है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस में बहुत बड़ी डिजास्टर साबित होने वाली है। तो दोस्तों अगर आपने फिल्म देख लिया तो आपको फिल्म कैसी लगी, आप इस फिल्म को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसे ही बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।